वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने धो लिया है। अब इनको हम उबालने रख देते हैं। आलूओं को हमने कुकर में डाल लिया। अब इसका ढक्कन लगा के हम इसको गैस पर रख देंगे। अब कुकर को हमने गैस पर रख दिए, इसकी दो सीटी आ जाएंगी जब हम इसको खोलेंगे। अब हमारे कुकर में दो सीटी आ चुकी हैं, गैस को हमने बंद कर दिया। अब आलूओं को हम निकाल लेते हैं और उनको छील लेते हैं। अब आलूओं को हमने छील लिए, अब इसको हम मैश कर लेते हैं। अब आलूओं को हमने मैश कर लिए, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। एक चम्मच नमक, एक चम्मच सूखा धनिया, थोड़ा सा और डालेंगे, आधा चम्मच और डाल देंगे। एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी और डालेंगे। थोड़ी सी अजवाइन, काली मिर्ची, थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच गरम मसाला, और थोड़ी सी लहसुन, ये भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने दो प्याज काटे मीडियम साइज के, छोटे छोटे मैंने काट लिए, ये भी इसमें डाल देंगे। और धनिया भी डाल देंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को भी हमने अच्छी तरह से मिला लिया। अब हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम घोल बना लेते हैं बेसन का। यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, अब इसमें हम एक कटोरी बेसन डालेंगे, ये मैंने छाना हुआ है, इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। एक चम्मच नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च, अब इसको हम घोल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल बना लेते हैं। अब हमने बेसन को अच्छी तरह से घोल लिया, ये देखिए हमें ऐसा ही बेसन चाहिए, बस इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, इतना हमने बेसन को घोलना है। अब हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम अपने ब्रेड पकौड़े पकाना शुरू करते हैं। और यहाँ मैंने कढ़ाई में गरम तेल होने के लिए रख दिया है, तेल को हम फुल गरम होने देंगे। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए, अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। पहले एक ब्रेड लेंगे, फिर हम इसमें आलू लगाएंगे। इसको हमने ऐसे फैला लेना है, अच्छी तरह से हम फैलाएंगे। अब हमने आलू को अच्छी तरह से फैला लिए। अब इस पर हम दूसरा ब्रेड रखेंगे, इसको हम ऐसे हाथों से प्रेस करेंगे और एक साइड हम रख देंगे। अब सारे हम ऐसे ही ब्रेड तैयार कर लेते हैं। हमने सारे ब्रेडों में स्टफिंग भर दी, अब इसको हम काट लेते हैं। अब हम एक ब्रेड लेंगे, इसको हम ऐसे काटेंगे। Thank you.
अब हम अपने सारे ब्रेडों को ऐसे ही काट लेते हैं। अब हमने सारे ब्रेडों को काट लिए, हमारा तेल भी फुल गर्म हो चुका है। अब हम अपने ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें बेसन में डिप करेंगे। अब हम तेल में डालेंगे। इनको हमने पहले हाफ फ्राई करना है, फिर हम इसको दोबारा फिर फ्राई करेंगे। अब हमारे जो ब्रेड हैं हाफ फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। पहले हम सारे ऐसे ही ब्रेडों को फ्राई कर लेते हैं। अब हमने सारे ब्रेडों को हाफ फ्राई कर लिए, अब इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस को हम कम ही रखेंगे। देखिए हमारे जो ब्रेड है अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम अपने सारे ही ब्रेड ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। अब हमारे सारे ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।